हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, और वो है कि अगर हमारे माउथ की पीएच चेंज होती है तो वो एक रीज़न हो सकता है टूथ डिके का। टूथ डिके का सीधा सीधा मतलब क्या है? हमारे जो टूथ का सरफेस है, जिसे हम इनेमल भी कहते हैं, उसका डैमेज हो जाना, करोड हो जाना, या फिर हम कहें कि डिके हो जाना, कुछ मर्जी कह लो, ठीक है। तो ये था टूथ डिके का मतलब। अब ये टूथ डिके होता कब है? जब हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, यानी हम कहें कि ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जानते हैं टूथ इनेमल के बारे में। ये टूथ इनेमल क्या है? ये हमारे टीथ की आउटर कवरिंग होती है, और ये किससे बनी होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ओके? और ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। और अगर हमारे माउथ की पीएच 5.5 से कम हो जाती है, यानी एसिडिक हो जाती है, तो ये डिके होनी शुरू हो जाती है, डैमेज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे माउथ की पीएच एसिडिक हुई कैसे? देखो, हम सब जानते हैं हमारे माउथ के अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, और खाना खाने के बाद जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं, ये बैक्टीरियाज उन फूड पार्टिकल्स के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसका डिग्रेडेशन करते हैं, जिसकी वजह से एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये एसिड्स क्या करते हैं? जो टूथ इनेमल है उसको कोरोड करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? टूथ डिके। अब बेस्ट मेथड क्या है टूथ डिके को प्रिवेंट करने के लिए? हमेशा खाना खाने के बाद अपने माउथ को क्लीन करना, ठीक है, और ऐसे टूथपेस्ट को यूज़ करना जिनका नेचर बेसिक होता है, और वो हमारे माउथ के अंदर जो एक्सेस एसिड प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, ओके। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।